नमस्कार, मैं मोहन दुबे, वीएसआरएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। लोकसभा में आज दो बिल पास हुए। विपक्ष की नारेबाजी के बीच टैक्सेशन लॉ बिल 2021 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल 2021 पास हुआ। टैक्सेशन बिल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। इसी के तहत ये बिल सदन में लाया गया है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को यूनिवर्सिटीज बिल सदन में पेश किया था। संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता भी हंगामेदार रहा। विपक्ष पेगासस जासूसी कांड और नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहा। विपक्ष नेताओं की मांग है कि सदन में इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। वहीं केंद्र का कहना है कि वो हर मसले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का शोर शराबा बंद नहीं हो रहा। लोकसभा में विपक्षी नेता पेगासस प्रोजेक्ट मामले पर नारेबाजी करने लगे। वहीं राज्यसभा में विपक्षी सांसद इस मुद्दे को लेकर सदन के वेल में चले आए और डिस्क्लोज पेगासस के नारे लगाए। केंद्र सरकार ने खेल से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मोदी ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि ये अवार्ड हमारे देश की जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ध्यानचंद भारत के पहले खिलाड़ी थे जो देश के लिए सम्मान और गर्व लाए। देश में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार उनके नाम पर रखा जाना ही उचित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारतीय खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार है। सरकार ने 1991-1992 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। इसे जीतने वाले खिलाड़ी को प्रशस्ति पत्र, अवार्ड और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत विक्रांत का समुद्री ट्रायल शुरू हो गया। 14 फ्लोर वाले विक्रांत पर 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकेंगे। ट्रायल सफल रहा तो इसे अगले साल अगस्त में नौसेना में शामिल किया जाएगा। जुलाई में इसके तटीय परीक्षण सफल रहे थे। ये देश में निर्मित सबसे बड़ा और विशालकाय युद्धपोत है। ISC P-71 विक्रांत की लागत करीब 23,000 करोड़ रुपए है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। इसे तैयार करने में 50 से ज्यादा भारतीय कंपनियों की अहम भूमिका रही है। इसके निर्माण के दौरान 40,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला। हिंद महासागर में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की चीन की बढ़ती कोशिशों के मद्देनजर ये देश के रणनीतिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिनों की बैठक में क्या फैसला लिया गया है, गवर्नर दास ने इसके बारे में जानकारी दी। लगातार 7वीं बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बरकरार रखा गया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% रखा गया है। गवर्नर दास ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी उबर रही है। सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बिगड़ गया है जिसे धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जून के मुकाबले जुलाई में आर्थिक सुधार बेहतर रहा। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के प्रति चौकन्ना रहने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 9.5% बरकरार रखा है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज करीब 14 विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पहुंचे। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए। जंतर मंतर पर विपक्षी सांसद किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद सेव फार्मर्स, सेव इंडिया के नारे लगा रहे हैं। राहुल गांधी समेत जंतर मंतर पर विपक्षी दलों के नेता किसानों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन में कांग्रेस, NCP, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, DMK और RJD समेत वाम दलों के नेता शामिल हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी, TMC और BSP इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा बरकरार रखने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी का फोकस 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने लखनऊ में प्रभारियों को समीक्षा करने भेजा, जबकि जुलाई में नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ बैठक की। अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शनिवार से 2 दिन के प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो शनिवार को लखनऊ के संगठन की बैठक में शामिल होंगे। वो विभिन्न कार्यक्रम देखने के साथ कार्य की समीक्षा भी करेंगे। नड्डा 8 अगस्त को आगरा में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे।
लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान शुक्रवार से अपनी आशीर्वाद यात्रा के छठे चरण पर निकल रहे हैं। इस चरण की यात्रा शुरू करने से पहले चिराग पासवान ने एक बार फिर से शब्दों के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्हें घेरा है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के हालात जिस तरह से होते जा रहे हैं वो काफी चिंता का विषय है। सांसद चिराग पासवान ने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जोड़ने का अनुभव है या नहीं ये वे नहीं जानते, लेकिन तोड़ने का अनुभव तो उन्हें जरूर है। लोजपा को तोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही। इस दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताए जाने पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। महाराष्ट्र में आज बीजेपी महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मुंबई शहर में लोकल ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने को लेकर चर्च गेट पर भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि पुलिस के माध्यम से सरकार की तानाशाही है, लेकिन हमारा विरोध आम आदमी के लिए है। राज्य सरकार हमें विरोध नहीं करने देती और न ही सेवाएं फिर से शुरू कर रही है। इससे पहले यह संकेत दिया गया था कि पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्रियों को उपनगरीय ट्रेन सेवाओं में यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन कोविड लॉकडाउन में छूट को लेकर की गई नवीनतम घोषणाओं में आवश्यक राहत की पेशकश नहीं की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे से बीजेपी नेता और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने उनके घर कृष्ण कुंज पर जाकर मुलाकात की। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लेकर कई तरह की अटकलें बीते कुछ महीनों से छाई हुई थी। हालांकि अब इन अटकलों को और भी ज्यादा मजबूती मिली है। मुलाकात के बाद चंद्रकांत पाटिल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मेरी राज ठाकरे से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे चाय पर घर बुलाया था। इस दौरान हमारी राजनीतिक बातें भी हुई। मैंने उनसे कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए आपको उत्तर भारतीयों के प्रति अपना स्टैंड बदलना होगा, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे मन में उत्तर भारतीयों के लिए कोई द्वेष या कटुता नहीं है। मैं यूपी बिहार में भी जाकर यही कहूंगा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी में 80% वरीयता दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों के साथ फोन पर बात की। इस दौरान हॉकी खिलाड़ियों की आंखें नम हो गई। हालांकि पीएम मोदी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए उनकी फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से फोन पर बात करते हुए उनके प्रदर्शन की तारीफ की। इस दौरान खिलाड़ियों की आंखें नम हो गई। पीएम मोदी ने कहा, पदक नहीं आ सका, लेकिन आपका पसीना देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। मैं टीम के सभी साथियों और आपके कोच को बधाई देता हूँ।